भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार अजय महाजन बिना रुके और बिना थके नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं और डोर टू डोर के जरिए प्रचार कर रहे हैं, जिसे देख विरोधी पक्ष चारों खाने चित हो रहा है। चुनावी दौर के चलते नूरपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की जीत की भारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इसी के चलते क्षेत्र में अजय महाजन की भारी लोकप्रियता को देखते हुए मंत्री पद मिलने की भी चर्चा बढ़ रही है। सुलियाली पंचायत में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत प्रदेश में निश्चित है और जहां तक उनके मंत्री पद की बात है, वह कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तय करेगी। अजय महाजन को लोहारपुरा और सुलियाली पंचायत में भी भारी समर्थन मिला, जिसके चलते लोहारपुरा पंचायत से भाजपा का दामन छोड़ अमित परमार, शेर मोहम्मद, पंकज सिकंदर, ठाकुर लोहारपुरा वार्ड मेंबर ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्रदान किया। गौरतलब है कि बीते दिन धनेटी पंचायत में भी अनेकों लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और इसके पूर्व भी अनेकों पंचायत से परिवारों ने भाजपा छोड़ अजय महाजन को समर्थन प्रदान किया है। अजय महाजन के प्रचार की गूंज नूरपुर शहर में भी तेजी पकड़ रही है, जहां वे लोगों के बीच डोर टू डोर के द्वारा पहुंच रहे हैं। अजय महाजन ने कहा कि उनके प्रचार अभियान में उमड़ रही समर्थकों की भीड़ साबित कर रही है कि नूरपुर के इतिहास में शानदार जीत के साथ इतिहास बनने जा रहा है। अजय महाजन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 12 नवंबर को सभी लोग अपने अपने घरों से हर हाल में बाहर निकलकर अपना कीमती वोट जरूर डालें और देश एवं राज्य के विकास का हिस्सा बने। नूरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उसे भी पूरा किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र के सभी वादों को प्राथमिकता देते हुए जरूर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की 10 गारंटी में चाहे पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात हो, 5 लाख से अधिक रोजगार हो या फिर महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का वादा हो, सभी को कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। ये रैली थी चंबी में, तो उन्होंने बोला कि अगर प्रदेश में कांग्रेस आती है तो हम केंद्र में बैठे हैं, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो मैं कहूँगा 5 साल बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी तो तब कौन सी मदद करती। मेरे ख्याल जितनी बार यहाँ पे आए खाली हाथ आए उस सरकार को कुछ नहीं देख पाए। तो ये अगला जो ये वैसे तो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, इसमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। स्टेट्स का जो अपना हक होता है वो मिलेगा और मिलना चाहिए। एक सर्वे किया गया है, सर्वे के अनुसार जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, तो ऐसे में नूरपुर में हम जगह जगह देखा जा रहा है कि एक आवाज उठी है कि अजय महाजन जी को मंत्री बनाया जाए, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कुछ नहीं, ये तो जो भी हाईकमांड फैसला करते हैं वही होता है। हम तो ये कहेंगे नूरपुर की जनता से अपील करेंगे कि वो विधानसभा में पहुंच जाए, हम उसी के साथ खुश हैं। बाकी जो भी निर्णय होता है ये हाईकमांड का होता है और मतलब किसी और के हाथ। सर्वे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो सर्वे आया ये बिल्कुल ठीक सर्वे आया है और मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ये निस्संदेह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसका रास्ता कांगड़ा से होते जा रहा है और कांगड़ा में रिकॉर्ड एमएलए जीत के जाएंगे इस बार। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आपका पहला नूरपुर में क्या काम होगा? पहला जो काम होगा वो एक तो हॉस्पिटल को मैं ठीक करूंगा, दूसरा जो है स्वास्थ्य, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, शिक्षा और सड़कें उनको ठीक करूंगा, और जो बेरोजगारी की लड़ाई है उसको मैं उसके अगेंस्ट लड़ूंगा, बेरोजगारों को रोजगार देने की के अलग अलग साधन उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा जो है ये जो गरीब आदमी है उसकी आवाज़ बुलंद करूंगा और उनको जहां भी मदद कर सकूं ये करूंगा, और खेतों में पानी और घरों में पानी दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। प्रचार का एक दिन रह गया है तो लोगों से क्या अपील? लोगों से क्या अपील है? मैं कहूँगा आशीर्वाद, साथ सहयोग देना, ये आपका भाई जो है, अब अगर इसको आप जिता के भेजोगे कि आपकी सेवा में हमेशा उतार हो। नूरपुर से सुभाष हिमांचली की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।